रोमिया 8:1 तो 17। सो हुण उन्हां लई जिहड़े मसीह यीशु विच हन सजा दा हुक्म नहीं है क्योंकि जीवन दे आत्मा दी शरा ने मसीह यीशु विच मैनू पाप अते मौत दी शरा तो छुड़ा दिता जो शरा तो ना हो सकिया इस करके जो ओ शरीर दे कारण नितानी सी परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप दे लई पापी शरीर दे रूप विच कल के शरीर विच ही पाप उत्ते सजा दा हुक्म दिता इस लई जो साडे विच जेड़े शरीर दे नहीं सगो आत्मा दे अनुसार चलदे हां शरा दे रास्ते हुक्म पूरा होवे जेड़े शरीरक हन ओ शरीर दियां वस्तां उत्ते पर जेड़े आत्मिक हन ओ आत्मा दियां वस्तां उत्ते मन लौंदे हन क्यों जो शरीरक मनशा मौत है पर आत्मिक मनशा जीवन अते शांति है। सर भला ले लिया इत्थे की लिखा है इत्थे वचन च लिखा है कि जेड़े मसीह यीशु दे विच आ गए ने उहनां ते सजा दा हुक्म खत्म हो चुका है उहनां ते सजा दा हुक्म नहीं है। किन्हां ते सजा है जेड़े परमेश्वर नूं जाणदे नहीं यीशु मसीह नूं जाणदे नहीं उहनां ते सजा है उहनां ते सजा ने जेड़े परमेश्वर नूं जाण चुके ने। की लिखा असि आत्मा द्वारा जाते हैं तो आत्मा द्वारा चलिए भी आत्मिक आत्मिक होना पैदा है शरीर नु मारना पैदा है समझ लग रही है। बहुत सारे लोग दा शरीर नाल जिउंदे ने पर जिहड़े आत्मिक हुंदे ने जिन्हां दा प्रेम प्यार परमेश्वर नाल सच्चा है जिहड़ा वादा कर चुके ने ओह डरदे ने ओह शरीर ते नहीं मन लाउंदे शरीर ते नहीं करदे ओह आत्मा दे लई जिउंदे ने कि आत्मिक आ असीं साडा जिहड़ा आत्मा है जिहड़ा साडे अंदर परमेश्वर ने आत्मा पाया है आत्मा दा परमात्मा नाल मेल मिलाप है साडा जदों आत्मा दा नाल कनैक्ट होइदा परमेश्वर नाल सब कुछ भुल जांगे असीं सिर्फ ते सिर्फ सानू यीशु मसीह याद आएगा कि परमेश्वर ने जो धरती ते जिउंदा रखा है तो सब कुछ देने की सामर्थ परमेश्वर रखता है सब कुछ देगा। की लिखा है कि शरीर दियां वस्तां ते मन लाउंदे आ पर आत्मिक मनसा जीवन ते शांति है शरीर दी। की लिखा है क्यों जो शरीरक मनसा मौत है पर आत्मिक मनसा जीवन ते शांति है। मौत की है शरीर दी मौत हो सकती है ये जिहड़ा साडा शरीर है साडे कोल खोया जाएगा पर जिहड़ा साडे अंदर आत्मा है बहुत सारे नूं आत्मा दा नहीं पता पवित्र आत्मा एक आत्मा हुंदा है इंसान दे विच इक आत्मा पाया होया है एक पवित्र आत्मा है समझ लग रही है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा दा कन्यां तो पता ही नहीं पवित्र आत्मा मिलदा किदा है पवित्र आत्मा हुंदा की चीज है पवित्र एक आत्मा हो गया एक पवित्र आत्मा मतलब की है जेड़ा पवित्र आत्मा है उंदे च कोई पाप नहीं गा वो पवित्र है वो परमेश्वर दा आत्मा है वो उस इंसान दे च पाया जांदा है जेड़ा परमेश्वर दे मर्जी नूं पूरा करदा है जेड़ा अड़ा ते खड़ा रहिंदा है चाहे बारिश आ जाए चाहे प्रॉब्लम आ जाए किसी तरह की चिंता नहीं करता क्योंकि परमेश्वर आत्मा ना कनेक्ट होता है आत्मिक हो जाता है इंसान। जदों वचन विच लिखा है जदों यीशु मसीह कहता कि परमेश्वर मेरा आत्मा तेरे को चला जाए और यीशु मसीह भुल गया सी दुख नू और इस तरह जो तुसीं जुड़े रहते हो परमेश्वर नाल कनेक्ट है असीं प्रार्थना विच बने रहते हैं इंसान अज प्रार्थना नहीं करता कनेक्ट नहीं होता परमेश्वर पवित्र आत्मा तो देने लई तैयार है पर असीं तैयार नहीं गया सानू आत्मा किदा मिलेगा जब सानू तैयारी करनी पवेगी सानू पवित्र आत्मा फिर जाके मिलेगा समझ लग रही है सानू तैयारी करनी पवेगी कि असीं पवित्र आत्मा लेना है पवित्र आत्मा दे अलग अलग वरदान हुंदे ने साडे अंदर और बहुत सारे दी गल करिए ते संगत नू जदों परमेश्वर दा आत्मा मिलदा है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा आया और चला जांदा है और परमेश्वर दी सामर्थ जदों टच करदी है पवित्र आत्मा आया और चला गया जिहड़े पास्टर हुंदे ने परमेश्वर दे दास हुंदे ने उहनां दे
अंदर आके पवित्र आत्मा बैठ जाता है एक जगह ते, समझ लग रही है, पवित्र आत्मा बैठ जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा दे च हमेशा परे रहते ने, जुड़े रहते ने। की होंगे जब अस जुड़े रहोंगे परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा करांगे तो असीं पवित्र आत्मा नूं पावांगे, समझ लग रही है। और ध्यान नाल सुनी चलना, पवित्र आत्मा दी मर्जी नूं किद्दां पूरा करना है, किद्दां पवित्र आत्मा मिलेगा और किद्दां असीं अलग अलग वरदान लवांगे। अज दा वचन है के पवित्र आत्मा किद्दां मिलदा है, पवित्र आत्मा हुंदा की है, पवित्र आत्मा कहिंदे किन्नूआं मिलदा किद्दां है, और जिहड़े इंसान मिल जाए कोई खो नहीं सकदा। सब कुछ तुहाडे कोल खोया जाएगा, शरीर खोया जाएगा, पैसा धन दौलत सब कुछ खोया जाएगा, पवित्र आत्मा ने तुसीं पा लिया दुनिया की ताकत तुहाडे कोल खो नहीं सकदी, समझ लग रही है। पर सानूं वेखो असीं जे डायमंड बनना है, जे हीरे बनना है, फिर सानूं प्रार्थना करनी पवेगी, सानूं वर्त रखने पैणे, परमेश्वर दे लई जीउणा पवेगा। चाहे धुप आ जाए, धुप दे विच बैठना, बारिश आ जाए असीं बारिश दे विच बैठना, अड़े ते खड़े रहना, समझ लग रही। असीं दिखावे दे लई नहीं, असीं परमेश्वर दी मर्जी नूं पूरा करन दे लई अड़े ते खड़े रहना, फिर पवित्र आत्मा दा दान मिलेगा, समझ लग रही। एक पवित्र आत्मा पाना सब कुछ चला जाए, जमीन जायदाद तुहाडा घर सब कुछ वंडिया जाएगा, पर पवित्र आत्मा नहीं कोई भी वंड सकता, पवित्र आत्मा कोई खो नहीं सकता तुहाडे कोलों जे तुहानूं मिल गया तां। और पाना सब दे लई जरूरी है, और जिहड़े इंसान ने पा लिया वो स्वर्ग जाण दा उहने रास्ता तैयार कर लिया। ध्यान नाल सुणो अगे, हांजी। इस लई जो शरीरक मनशा परमेश्वर नाल वैर है, क्यों जो ओ परमेश्वर दी शरा दे अधीन नहीं है अते ना ही हो सकती है, अते जेड़े शरीरक हन ओ परमेश्वर नु प्रसन्न नहीं कर सकते हन। पर तुसी शरीरक नहीं सगो आत्मिक हो, पर तदे जे परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा होवे, परंतु जिंदे विच मसीह दा आत्मा नहीं है, सो ओ ओंदा नहीं है। पर जे मसीह तुहाडे विच है तां देही पाप दे कारण मर गई, पर आत्मा धर्म दे कारण जीवित है, अते जे ओ ओंदा आत्मा जिंदे यीशु नूं मुर्दियां विचों जिवालिया तुहाडे विच वसदा है, तां जिंदे मसीह यीशु नूं मुर्दियां विचों जिवालिया ओ आत्मा दे वसीले नाल जेड़ा तुहाडे विच वसदा है तुहाडियां मरण हार देहियां नूं भी जिवावेगा। सारे बोला ले लिया, इत्थे की लिखा है, शरीर मनशा परमेश्वर नाल वैर है। असीं शरीर दे चिंता करते हाँ, असि की खावांगे की पीवांगे, पर आत्मा दी चिंता कौन इंसान करता है, आत्मा दा। जे तुसी आत्मा दी चिंता करदे हो, साडे आत्मा दा भोजन की है, आत्मा जिहड़ा सानूं परमेश्वर ने देना है, जिहड़ा उहने देण दा वादा कीता है, समझ लग रही है। पवित्र आत्मा की लिखा है, शरीर दा जे शरीर नाल प्रेम प्यार करदे आ परमेश्वर वैर करदा है, शरीर दा परमेश्वर नाल वैर है, आत्मा दा वैर नहीं गा। मतलब की है, मतलब की डगियाई दे च लिखा है, वैर किदा है कि शरीर कहिंदा ना प्रार्थना कर सो जा, ना बंदगी च जा, तू थका होया सो जा, कूलर ला ते पंखा ला ते सो जा। पर आत्मा साडा की कहेगा, नहीं चला जा तू परमेश्वर दे नेड़े जा, करीब जा, परमेश्वर नूं पा, जे तू बोलेगा ते चमत्कार होएगा। और वचन विच लिखा है, मूसा बोलदा सी तां समुंदर दो भाग हो जांदा सी, इन्नी वड्डी दया सी। आत्मा दा जदों कनेक्ट हो गया परमेश्वर नाल तां बोलोगे तां परमेश्वर चमत्कार करेगा। अज सोचदे आ साडी प्रार्थना नहीं सुनी जांदी, असीं पास्टर नूं फोन लांदे आ, पास्टर को प्रार्थना करवांदे आ,
जब असं पवित्र आत्मा पावे परमात्मा का आत्मा का मेल मिलाप हो जाएगा, सानू डर की जरूरत नहीं, बोलना देते चमत्कार हो जाएगा, पास्टर की जरूरत नहीं पाएगी, सीधा परमेश्वर कनेक्ट हो जाएगा। पास्टर की जरूरत ओदा होंगी है क्योंकि अच्छी बंदगी ज्यादा परमेश्वर वचन के अधीन चलना है। वचन परमेश्वर वचन लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है, वचन अपनी जिंदगी लवेंगे परमेश्वर होर ज्यादा करीब जावे। आत्मिक फल तैयार करो, आत्मा दे बने रहना। और पिछले दिनों दे समझाया है और बहुत सारे पता है कि आत्मा के नौ फल ने, और इतने लिखा है कि पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान पाना, समझ लग रही है, पवित्र आत्मा का वरदान बने रहना। पवित्र आत्मा कदों मिलेगा, ऐदा नहीं एक बार आए तो पवित्र आत्मा ले लो गए, सानू स्टडी करनी पड़ती, सानू यीशु मसीह के पिछे चलना पड़ेगा, कदम कदम से परमेश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा, दुख दे च धन्यवाद करना पड़ेगा। ये नहीं बहुत सारे मूझ मस मैं भाई आंदा रब तो कंधे ही की खड़ा है, ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੱਲਾ ਹੀ ਲਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਰ ਬੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਇਆ ਫੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ ਦੋ ਦਿਨ ਰੁਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਬੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਛਾ ਰੁਕ ਜਾ सर बड़ा ले लिया बहुत सारे कल कई गड़े बड़े पाई जाता है, फसल तो बाह की जाता है, मसे मसे फसल बीजी है, जो चक्कर का वेला है उदा गड़े पा दते सी असी खावे की यीशु मसीह देना जानता है। सर बड़ा ले लिया परमेश्वर वेखदा है चेक करदा है, यीशु मसीह कई गुणा देने वाला परमेश्वर है, वो जिथे ना मींदे उथे मींद जगाना जानता है, समझ लग रही है। जे समुंदर च रास्ता निगा ते परमेश्वर ने रास्ता बना दिता है, की लिखा है अते ओदा आत्मा जिन्हें यीशु मुर्दिया च जवा लिया तुहाडे विच वसदा है, ता जिन्हें यीशु मुर्दिया च जवा लिया आत्मा दे वसीले नाल जिहड़ा तुहाडे विच है वसदा है तुहाडी मरण हरदेईआं नूं जवाएगा। सर बना ले लिया की लिखा है मरण हार देना मतलब की है असि जिउंदे जिउंदे हां पर जिहड़े अंदर साडे देही है जिहड़ी आत्मा है आत्मा मरी हुई है आत्मा दा कोई परमेश्वर नाल कनेक्ट नहीं गा, पर जदों आत्मा दा परमात्मा नाल कनेक्ट हो जाएगा पवित्र आत्मा मिलेगा। एक पवित्र आत्मा कदों मिलेगा जदों साडे अंदर जिहड़ा परमेश्वर ने आत्मा पाया है हर एक इंसान विच आत्मा है चाहे परमेश्वर नूं मनदा है चाहे नहीं मनदा, और आत्मा दा जदों परमात्मा नाल मेल मिलाप होएगा और एक पवित्र आत्मा दिता जाएगा गिफ्ट दिता जाएगा, और पवित्र आत्मा उहनूं मिलदा है इंसान नूं जिहड़ा परमेश्वर च जुड़िया रहिंदा है अड़ा खड़ा रहता है, फिर चिंता नहीं होगी, फिर खान पीन की चिंता नहीं होगी, फसल सारी तबाह हो जाए, असि परमेश्वर के वर्त रखा दे असी ज्यौते रहे, समझ लग रही है। परमेश्वर कई गुणा देने वाला परमेश्वर है, ध्यान ना सुना के। हाँ जी सो हे प्रभु असि कर्जदार हां पर शरीर दे नहीं, जो शरीर दे अनुसार उम्र कटिए, जे शरीर दे अनुसार उम्र कटोगे ता तुहानू मरना पवेगा, पर जे आत्मा नाल देही दे कारजां नू मारो ता तुसी जीवोगे। जिन्ने परमेश्वर दे आत्मा दी गवाही नाल चलदे हन ओही परमेश्वर दे पुत्र हन, क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मोड़ के डरो, सगों ले पालक पुत्र होन दा आत्मा मिलिया, जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां, ओ आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी दिंदा है कि असी परमेश्वर दे बालिक हां, अते जे बालिक हां तां अधिकारी भी हां, परमेश्वर दे अधिकारी अते मसीह दे नाल सांझे अधिकारी, पर तदे जे असी ओंदे नाल दुख चलिए कि ओंदे नाल असी वड्याए जाइए।
समझ लग रही है की लिखा है सुनो शरीर दे जेड़े कामना ने इच्छावां ने उन्हां नूं मारना पवेगा ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਡਾਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੜਿਆ ਤੇ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ परमेश्वर दे जुड़ा रहता है वो तरक्कियां दे चला जाता है समझ लग रही है असि सोचते हाँ कि आत्मा किदा मिलेगा परमेश्वर दे वचन दे लिखे तुसी आत्मा द्वारा जियोगे तो तुहानू पवित्र आत्मा दिता जाएगा और शरीर के अनुसार उम्र नहीं कटनी लिखा जे शरीर के अनुसार उम्र कटोगे तो मरोगे तुहानू मरना पवेगा जे आत्मा के अनुसार चलीए जे आत्मा की गुआई नाल चलीए तो असि जीवांगे इत्थे ही नहीं स्वर्ग दे विच अनंत जीवन सदीपक जीवन सदा दा जीवन होएगा समझ लग रही है सदा दा जीवन उस इंसान दे कोल होएगा जेड़ा जुड़िया रहेगा प्रभु नाल कनेक्ट रहेगा प्रॉब्लम आ जाए चिंता नहीं करनी कोई भी झगड़े आ जाए ते बारिश आ जाए गाली नहीं कढ़नी है प्रभु नूं समझ लग रही है फिर असीं परमेश्वर दे बेटे बेटियां आ बहुत सारे मैं कई बार लंघदे पिंडा दे चू ते लेडी गाली कढ़ी जानी अज ही कोई फेरा है ते अज ही बारिश आ गई मैं कई बार लंघदा ना ते आवाजा जी करा जो बाहर आंदियां ने गलियां चो सारे बुला ले लिया हालेलुया जोर से बुला ले लिया हालेलुया इन्ने आवाजा जी कई लेडी करे लड़ी जांदियां हुंदियां ने तू आखा ही अज कोई फेरिए मैं तैनूं आखा उत्तो बदल जा बड़ा फिर अज रुक जांदे सर बुला ले लिया आपस विच लड़ी जान गया पैना कई ता गर्म हो जांदियां हां तैनू आखा ना कणक वढ रही है मैं आ जाना है तू भी कोनी आखे लगी है कई पतियां ते पत्नियां नु गर्म होई जांदे समझ लग रही ऐदा दा केड़े परमेश्वर नाल कनेक्ट ने वो चिंता नहीं करदे वो अड़े ते खड़े रहंदे ने फसल चा चली जाए परमेश्वर कई गुणा देन वाला परमेश्वर है साडे नाल जो वो पूरी दुनिया चलान वाला है वो सब दी रोजी रोटी देन वाला है वो भुखिया नु रोटी देन वाला है वो प्यासिया नु पानी पिलान वाला है जेड़े इंसान कई इंसान अज हर एक इंसान दी बहुत सारे दी गल करिए तो जिन्ने इत्थे बैठे हो सारे कोल घर ने पर बहुत सारे लोग ऐदा दे ने जिन्हां कोल घर नहीं गए जेड़े पुलां थले दिन कटदे ने रातां गुजारदे ने जिन्हां कोल कपड़ा पाण दे ने नहीं गा जेड़ा रोटी खाण दे लई टुकड़ा नहीं गा बहुत सारे लोग मंग के गुजारा करदे ने उहनां नूं परमेश्वर देन समझ लग रही है अज सोचते हैं कि साड़ी रोटी नहीं किदा होएगा सब कुछ परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है लिखा है कि असि आत्मा द्वारा जोना है आत्मा द्वारा जो अज तुम वादा करके जाते हो कि परमेश्वर असि आत्मा द्वारा जीवांगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें दिता जाएगा पवित्र आत्मा थोड़ी अगुवाई करेगा समझ लग रही है जिथे थोड़ा नुकसान होता होगा उस जगह तो परमेश्वर नहीं जान देगा और परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा दिता हुआ है जिस जगह ते परमेश्वर चमत्कार करना हुंदा है उस जगह ते लेके जाता है कि जा इधर मैं तैनू भेजदा और जिधर नहीं भेजदा नहीं जाईदा परमेश्वर दी मर्जी मुताबक चलीदा जे तुसी वादा करके जांदे हो परमेश्वर से तेरी मर्जी नू पूरा करांगे तरक्कियां विच परमेश्वर ले जाण वाला है यीशु मसीह चमत्कार करन वाला परमेश्वर है।